पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक किया है। फैसला नवाज शरीफ और खालिद मकबूल सदीकी के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। एमक्यूएम के वफद ने डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की क्यादत में, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आए इलेक्शन लड़ें। आजकल के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। वादी तेरा में वतन की हिफाजत पर मामूर पाक फौज के 4 शहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम, वजीर दिफा, आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत आला सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। और मैक्सवेल की डबल सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बाजी पलट दी, अफगानिस्तान से फतह छीन कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 39वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए थे। मैक्सवेल ने टांग में तकलीफ के बावजूद अकेले ही अफगान बॉलरों का सामना किया।